आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल का। एक्सरसाइज नंबर है 5.3, जिसमें हम क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 16 के जो भी सारे एग्जांपल है सारे देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, 5.3 का ऑलरेडी हमने एक वीडियो देखा हुआ, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 to 16 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लीज़, अगर आपने वो पहले का वीडियो नहीं देखा 1 to 10, तो पहले वो देख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। उसका कंटिन्यूस पार्ट है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो 1 to 10 आपने किया तो इसे आप इजीली कर सकते हैं। खाली यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, और फिर उसमें जो भी लिमिट हमारा दिया हुआ है तो वो हम सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेट 0 to ∞ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अभी जो हमारा फंक्शन दिख रहा है ये हमारे यू इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हम यू इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे और इसको इंटीग्रेट करके उसका लिमिट पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हम यू इंटू वी का रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यू इंटू वी का रूल अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि हमारा यू टर्म कौन सा है, वी टर्म कौन सा है। उसके लिए हम एल आई ए टी, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अल्जेब्रिक फंक्शन है, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये हमारा यू है, ये हमारा वी है। तो हम यू इंटू वी का रूल अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट। यू इंटू वी का रूल हमें पता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लिमिट देखिए कौन से टर्म को जाने वाला, ये ऑलरेडी हमें पता है, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए जो होल टर्म है, यहाँ पे होल इंटीग्रेशन को लिमिट जाने वाला है, यहाँ पर इसको लिमिट नहीं जाएगा, आपको ध्यान रखना। ये ऑलरेडी हमने यू इंटू वी के रूल के क्वेश्चन देखे हुए हैं। यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये माइनस के साइन को हम बाहर ले लेंगे और जो लिमिट है वो दोनों टर्म को जाएगा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है स्टूडेंट। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ठीक है, ये माइनस का साइन बाहर चला जाएगा, 2 हमें बाहर लिखना तो बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का साइन को हमने बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स पाई बाय 2 0, ये बाहर प्लस हो गया 0 to π/2। यहाँ पे 2x अल्जेब्रिक फंक्शन है, कॉस हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे फिर से हमें यू इंटू वी का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देते हैं। पहले क्या करेंगे, एक्स के टर्म जहाँ जहाँ पर एक्स दिख रहा है अपर लिमिट पुट कर देंगे, पाई बाय 2 का स्क्वायर इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस 0 into 0 का स्क्वायर इंटू कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक बार पहले अपर लिमिट पुट किया, फिर हमने लोअर लिमिट पुट किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यू इंटू वी का रूल अप्लाई करते हैं, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी डेरिवेटिव ऑफ यू, यू क्या है हमारा 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है, कॉस पाई बाय 2 हमें पता है 0 होता है। ठीक है, 0 इंटू एनी टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू एनी टर्म कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, लेकिन 0 इंटू 1 0 हो जाएगा प्लस। अभी देखिए ये तो हमारा टर्म 0 होगा, अभी हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2x इसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है और यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक टर्म इसे इंटीग्रेट करना बाकी रह गया है, इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया, इसका लिमिट पुट करना बाकी है,
इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये देखिए ये टर्म तो ज़ीरो हो चुका है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम एक्स के पे पाई बाई टू रखेंगे इंटू साइन पाई बाई टू, अभी हम एक्स के पे ज़ीरो रखेंगे लोअर लिमिट। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पे देखिए टू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ओके तो देखिए ये टू टू गेट कैंसिल, पाई बच गया, साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है वन, तो यहाँ पे पाई इंटू वन हो गया और ज़ीरो इंटू एनी टर्म ज़ीरो, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर ले लिया हमने, कॉस एक्स के जगह पे हमने एक बार पाई बाई टू रखा, माइनस एक बार हम ज़ीरो रखेंगे। ओके स्टूडेंट, ये देखिए माइनस के साइन बाहर ले लिया प्लस हो गया, अंदर क्या बच गया कॉस, कॉस एक्स के हमने पाई बाई टू रखा फिर माइनस ज़ीरो रखा। देखते हैं यहाँ पे पाई इंटू वन पाई, पाई माइनस ज़ीरो पाई प्लस टू, देखिए कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है ज़ीरो और कॉस ज़ीरो का वैल्यू क्या होता है वन। ओके तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा पाई ज़ीरो इंटू टू ज़ीरो, टू इंटू माइनस वन माइनस टू। ठीक है तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये हमारा आंसर क्या मिल गया पाई माइनस टू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 सेक रेस टू 4x। ठीक है तो यहाँ पर पहले हमें सेक रेस टू 4 का इंटीग्रेशन निकालना है फिर उसके बाद हमें लिमिट पुट कर देना है। ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास सेक रेस टू 4 का इंटीग्रेशन नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसका जो पावर है उसे स्प्लिट करेंगे। ओके स्टूडेंट यहाँ पर सेक रेस टू 4 है इसका हम पावर स्प्लिट करते हैं, पावर जब आप स्प्लिट करोगे तो क्या मिल जाएगा देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है तो यहाँ पर ये कि यू इंटू वी का रूल अप्लाई मत करिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यू इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, बेटर हम क्या करते हैं सब्सिट्यूशन घर पर लेके थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ओके स्टूडेंट तो यहाँ पर देखिए पहले सेक स्क्वायर का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर हम ज़ीरो टू पाई बाई फोर एक सेक स्क्वायर को हम वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देंगे और एक सेक को वैसे ही रखेंगे। ओके स्टूडेंट अगर यहाँ पर अभी हमने सब्सिट्यूशन का हेल्प लिया, सब्सिट्यूट व्हाट t इज इक्वल्स टू टेन एक्स, देखिए अब अगर आपने t को टेन सब्सिट्यूट किया इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे dt टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो dt टी इज इक्वल्स टू वॉट सेक स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर डी एक्स की अभी हम dt लिख देंगे और जहाँ पे हमारा टेन है तो वन प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो वन प्लस टेन स्क्वायर सॉरी वन प्लस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, तो इजीली हम इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन देखिए जब भी हमें डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी हम सब्सिट्यूशन करते हैं हमें पता है कि लिमिट है, लिमिट भी हमारा चेंज होता है। ठीक है तो व्हेन टी इज इक्वल्स टू अपर लिमिट क्या है सॉरी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर है तो अभी हमें टी का वैल्यू चाहिए, अभी हम क्या करेंगे ये इक्वेशन में एक्स के जगह पे पाई बाई फोर रख दिया हमने तो टेन पाई बाई फोर का वैल्यू क्या होता है वन, तो जब वैन टी एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई फोर तभी टी हो गया तो उसका वैल्यू वन मिल गया। ठीक है वैसे ही एक्स ज़ीरो लिमिट लोअर लिमिट ज़ीरो है इसलिए अभी हम ये इक्वेशन में टेन ज़ीरो रख देंगे तो हमें पता है टेन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है। ठीक है तो अभी जहाँ पे हमारा अपर लिमिट पाई बाई फोर था वहाँ पे अभी हमारा वन हो गया, जहाँ पे ज़ीरो था वहाँ पे ज़ीरो हो गया। ठीक है तो अभी हमारा क्वेश्चन देखिए क्या हो गया है ज़ीरो टू वन वन टी स्क्वायर, टेन के जगह पे हमने क्या लिख दिया टी लिख दिया वन प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर डी टी के जगह डी एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया डी टी लिख दिया। ठीक है अभी देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया स्टूडेंट, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू टी टी हो जाएगा और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी रेस टू थ्री बाय थ्री, अपर लिमिट वन लोअर लिमिट ज़ीरो। अभी यहाँ पर देखिए इजीली हमने इंटीग्रेट कर लिया है, अभी इसमें हम लिमिट पुट कर देते हैं, हमारा वेरिएबल टी है एक बार टी के जगह पे वन रखेंगे अपर लिमिट, अभी एक बार टी के जगह पे ज़ीरो रख देंगे
ओके तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 1 + 1/3, ये 0 और ये 0, ठीक है, 0 + 0, 0 इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे, 1 + 1/3 क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया 4/3। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, 0 to π/2 (1/a²sin²x + b²cos²x). तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कोई नंबर है, उसे देख के कन्फ्यूज मत होइए, उसे कोई भी कांस्टेंट नंबर कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1/a²sin²x + b²cos²x, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का देखिए सब्स्टिट्यूशन का टाइप का क्वेश्चन है, 1/a(sin²) + b(cos²x), ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते थे, ठीक है, और फिर उसका आगे का स्टेप हम करते चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू 0 to π/2 (1/a)sin²x + b(cos²x), ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का टाइप का स्टूडेंट है, स्टूडेंट देखते हैं इसमें क्या कैसे करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे देखिए हम लोग न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे लिख दीजिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ये रूल है, ये टाइप के क्वेश्चन में हमने कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है स्टूडेंट। क्वेश्चन देख के ही हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप से इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये प्लीज अच्छे से करिए इंटीग्रेशन के टॉपिक को, क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है जब हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो उस पर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन 10 हो जाएगा, ठीक है, 0 to π/2 1/cos को हम sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे a इंटू 10² होता है प्लस ये b². अभी देखिए ये स्टेप के बाद हमें क्या करना रहता है, अगर डिनोमिनेटर में आपको 10 दिख रहा है, ठीक है, 10 को हमने t सब्स्टिट्यूट करना है, ये रूल है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर रूल क्या बोलता है, t सब्स्टिट्यूट करना है आपको किसको, 10x को, ठीक है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dt/dx इज इक्वल्स टू sec²x, उससे आपको क्या मिल जाएगा, dt इज इक्वल्स टू व्हाट, sec²x (tx), sec²x(dx). तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें दिख रहा है sec²dx के जगह पे आप dt लिख दोगे, और जहाँ पे 10 है वहाँ पे आप t लिख दोगे, ठीक है। और देखिए लेकिन यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसलिए हमारा लिमिट है जो वो चेंज हो जाएगा, व्हेन x का वैल्यू π/2 है, हम ये इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें t इज इक्वल्स टू 10π/2। देखिए अभी 10π/2 का वैल्यू क्या होता है, हमें पता है इनफाइनाइट होता है, और व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0 तो टी क्या हो जाएगा, 10 0 का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जहाँ पे लिमिट हमारा 0 था वहाँ पे 0 हो गया, जहाँ पे लिमिट π/2 था वहाँ पे इनफाइनाइट हो गया, sec²x(dx) के पे हम dt लिख देंगे, और जहाँ पे 10 है वहाँ पे हम t लिख देंगे, इसका मतलब ये t² हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन गया है, I इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 to ∞ dt/a²(t²) + b², ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है t है, इसको हम x का समझ लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है 1/x²+a², ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो t है उसके साथ ये वेरिएबल कांस्टेंट जो नंबर है, कोई नंबर है ये, तो सबसे पहले ये नंबर को हमें हटाना पड़ेगा, किसी भी नंबर को ये हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं या फिर वो नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हमने कॉमन लिया तो 1/a² बाहर आ जाएगा 0 to ∞, t² के साथ a² था वो बाहर चला गया, लेकिन यहाँ पे b के साथ तो स्क्वायर नहीं है, a² नहीं था तो उसको a² डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a² हमने कॉमन ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t² के साथ कोई भी नंबर हमें नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंट नंबर हमें नहीं चाहिए, इसीलिए ये रूल है। तो 1/a² इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 to ∞ dt/t² + b/a²। अभी तो हमारा जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो ये क्या हो गया, वन बाई ए टाइम इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, तो आई इज इक्वल्स टू वन बाई ए स्क्वायर, वन बाई ए, ए क्या है हमारा बी बाई ए टेन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब टी बाय ए, ए क्या हमारा बी बाय ए इनफाइनाइट टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये लिमिट पर लिखने से पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो कांस्टेंट नंबर है उसे बाहर ले लोगे, ये वन अपॉन बी बाय ए, बी बाय ए रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ए बाय बी होके बाहर आ जाएगा। हमने वन बाय ए स्क्वायर ए बाय बी को बाहर ले लिया, ये टेन इनवर्स ये ए टी बाय बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, एक बार हम अपर लिमिट इनफाइनाइट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट ज़ीरो पुट करेंगे। ये ए ए कैंसिल हो गया, वन अपॉन ए बी बच गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए एक बार हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, टेन इनवर्स टी के जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू इनफाइनाइट बाय बी माइनस टेन इनवर्स ज़ीरो रख रहे हैं, ए इंटू ज़ीरो बाय बी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वन बाय ए, वन अपॉन ए बाय ए इंटू बी। ओके, तो यहाँ पर इनफाइनाइट इंटू एनी नंबर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट अपॉन एनी नंबर इनफाइनाइट होता है, तो इसका ये इसका मतलब क्या हो गया, टेन इनफाइनाइट ही रहेगा। और ये ज़ीरो इंटू एनी टर्म ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन एनी टर्म ज़ीरो, तो टेन इनवर्स ज़ीरो हो गया। ठीक है, टेन इनवर्स ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स टेन इनवर्स इनफाइनाइट मतलब टेन के कौन से एंगल का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो हमें पता है कि टेन 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे टेन इनवर्स इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, पाई बाई टू। और टेन इनवर्स ज़ीरो मतलब टेन के कौन से एंगल का वैल्यू ज़ीरो होता है, टेन ज़ीरो के वैल्यू ज़ीरो होता है। ओके, तो यहाँ पर हमें वन बाई ए बाई बी इंटू पाई बाई टू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन टू ए बी। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 14 क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू पाई साइन क्यूब इंटू वन प्लस टू कॉस एक्स इंटू वन प्लस कॉस एक्स रेज टू टू डी एक्स। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देख के ही हमें लग रहा है कि यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूशन का हेल्प लेना है स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब्सटीट्यूशन का हेल्प लेने से पहले ये जो साइन है उसका जो पावर है वो हमें स्प्लिट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो साइन का जो पावर है वो स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मतलब साइन क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये जो साइन एक्स है उसको हम एंड में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप साइन का जो पावर क्यूब था उसे हमने स्क्वायर इंटू एक्स में कन्वर्ट कर लिया, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स में। ठीक है, तो अभी देखिए अभी हमारे पास एक त्रिकोण का फॉर्मूला है, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, तो ये साइन स्क्वायर वहाँ पर जाए सॉरी कॉस वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, इंटू वन प्लस टू कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स मिल जाएगा हमें, मतलब ये टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t इज इक्वल्स टू वॉट कॉस एक्स, तो यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे t आ जाएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dt टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, माइनस dt टी इज इक्वल्स टू वॉट साइन एक्स डी एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे माइनस dt लिख देंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे टी, यहाँ पे वन प्लस टी का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए जब भी हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ता है, तो जब भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो लिमिट हमें चेंज करना होता है, तो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू पाई
तो therefore t इज इक्वल टू वॉट cos पाई, यहाँ पर x के पे पाई रख देंगे तो cos पाई का वैल्यू क्या होता है माइनस वन। प्लीज़ ये सारे वैल्यू जो है आपको याद रखने होंगे स्टूडेंट ट्रिग्नों के जो भी है। cos जीरो का वैल्यू देखिए यहाँ पे t इज इक्वल टू वॉट cos जीरो इज इक्वल टू वन, तो ठीक है यहाँ पे हमने देखिए t वेन x वॉज पाई t का वैल्यू माइनस वन मिल गया, वेन x इज इक्वल टू जीरो t का वैल्यू हमें वन मिल गया। ठीक है तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जहाँ पे जीरो था वहाँ पे वन हो गया, जहाँ पे पाए था वहाँ पे माइनस वन हो गया। ठीक है और जहाँ जहाँ पे एक्स कॉस दिख रहा है आपको टी रखना है और साइन एक्स डी एक्स के पे हम माइनस डी टी रख देंगे। ठीक है तो यहाँ पे वन माइनस टी स्क्वेयर इंटू वन प्लस टू टी इंटू वन प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। ठीक है स्टूडेंट तो ये हमारा क्वेश्चन ये बन गया है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और इजीली इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन करोगे सिंप्लीफाई करोगे एक नॉर्मल अल्जेब्रिक फॉर्म में मिल जाएगा उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पे हम वन टू माइनस वन ये वन माइनस टी स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं चे, तो यहाँ पर पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो या फिर अभी इसको ऐसे ही रखते हैं हम यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वन प्लस टू टी प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ये माइनस साइन है वैसे ही रखते हैं, ये पहले ये दोनों को अप्लाई ब्रैकेट ओपन कर देंगे फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो देखिए वन टू माइनस वन ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं वन प्लस टू टी माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी क्यूब वन प्लस टू टी प्लस टी स्क्वायर माइनस डी टी। तो अभी इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, देखते हैं इसे ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं, पहले वन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा टू टी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा टू टी क्यूब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है तो यहाँ पे वन टू माइनस वन वन सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन टू टी प्लस टी स्क्वायर, टू टी को सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू टी प्लस फोर टी स्क्वायर प्लस टू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर को सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस टी स्क्वायर माइनस टू टी क्यूब माइनस टी रेस टू फोर, टू रेस टू क्यूब को सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस टू टी क्यूब माइनस फोर टी रेस टू फोर माइनस टू टी रेस टू फाइव। अभी जो माइनस है ये माइनस का जो साइन है स्टूडेंट अभी अगर हमने अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर देखिए अभी सबको अलग अलग इंटीग्रेट हम कर सकते हैं, ठीक है सबको अलग अलग इंटीग्रेट करके सबका लिमिट जो भी दिख रहा है वो लिमिट पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करते हैं और सबका साइन है हम चेंज कर देते हैं माइनस का साइन अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पर देखिए वन का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, यहाँ पर इसका माइनस का साइन देता हो क्यू कि माइनस का साइन अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये टू टी स्क्वायर बाई टू सब यहाँ पर सबका साइन जो प्लस है उसको माइनस कर दिया जो माइनस है उसको प्लस कर दिया। ओके स्टूडेंट टी अभी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी रेस टू थ्री बाई थ्री, ये चेंज कैसे करो ये माइनस का साइन मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हाँ स्टूडेंट, तो ध्यान रखना है तो ये इंटीग्रेशन से साइन उसका चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू टी स्क्वायर बाई टू माइनस फोर टी रेस टू थ्री बाई थ्री माइनस टू रेस टू फोर बाई फोर, अब ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा टू रेस टू थ्री बाई थ्री प्लस टू रेस टू फोर बाई फोर प्लस टी रेस टू फाइव बाई फाइव प्लस टू रेस टू फोर बाई फोर, इसका क्या हो जाएगा फोर फाइव बाई फाइव और सॉरी प्लस हो जाएगा ये और ये प्लस टू रेस टू सिक्स बाई सिक्स। ठीक है इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया माइनस वन टू वन। ठीक है अभी देखिए लिमिट पुट करने से पहले हम देखते हैं कोई टर्म सेम है कैंसिल वगैरह होता रहेगा तो उसको कर देंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ओके नहीं तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा लिमिट पुट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये टी अकेला है इसको अकेले ही लिखते हैं, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है, ठीक है ये इसका टू टू कैंसिल ये टू टू कैंसिल टी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस टू टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यूब थ्री प्लस है एक माइनस है इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है यहाँ पे क्यूब इसके पास है ना ये कैंसिल हो गया भाई बचा क्या है
फोर रेस टू थ्री बाई थ्री, ये भी हो गया टी रेस टू फोर, इसके पास है इसके पास है, एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल कर दिए तो ये बच गया ना, प्लस टू रेस टू टी रेस टू फोर बाई फोर, ये बच गया, ये और ये सेम है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए फाइव टी रेस टू फाइव बाई फाइव, ये हो गया, ये बच गया टू थ्री ज़ा टी रेस टू सिक्स बाई थ्री, अपर लिमिट माइनस वन लोअर लिमिट वन, फाइव फाइव कैंसिल। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे माइनस वन, फिर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे वन, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज़ ध्यान से करिएगा, पहले हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस, देखिए हम क्या करते हैं, ये माइनस का जो साइन है इसको हम कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसे ही रखिए, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं कॉमन। पहले हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, ये वन बाई टू बचेगा, टू टू कैंसिल कर दिया, यहाँ पे फाइव है, फाइव फाइव कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट, अभी हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट क्या है वन, माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर, माइनस फोर बाई थ्री वन का क्यूब, प्लस वन बाई टू वन रेस टू फोर, प्लस वन रेस टू फाइव, प्लस वन रेस टू सिक्स बाई थ्री, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या किया, पहले हमने अपर लिमिट पुट कर दिया पूरे फंक्शन में, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट वन है, वन पुट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन, यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर वन, वन इंटू टू टू, माइनस वन का क्यूब माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस फोर बाई थ्री हो जाएगा, वन एस टू फोर वन, तो ये वन बाई टू ही रहेगा, माइनस वन एस टू फाइव माइनस वन, वन एस टू सिक्स माइनस वन एस टू सिक्स, मतलब प्लस ही रहेगा वन बाई थ्री। तो ये हमने अपर लिमिट पुट कर दिया, अभी हम लोअर लिमिट पुट कर देते, लोअर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस वन का स्क्वायर वन, वन इंटू टू टू, फोर माइनस फोर बाई थ्री, वन बाई टू वन, वन बाई थ्री, ठीक है। अभी देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, जो प्लस रहेगा कैंसिल हो जाएगा इजीली, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं प्लस कौन सा है माइनस कौन सा है, वो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करते हैं पहले, वन प्लस वन माइनस कैंसिल, टू प्लस प्लस कैंसिल, ये प्लस है इसके साथ प्लस हो जाएगा, वन बाई टू माइनस कैंसिल, माइनस वन प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ठीक है। जो टर्म बचा हुआ उसे लिख दीजिए, फोर बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री माइनस वन माइनस वन, ठीक है। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फोर प्लस फोर एट बाई थ्री माइनस टू, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एट बाई थ्री माइनस टू, मतलब ये क्या मिल जाएगा सिक्स टू बाई थ्री। स्टूडेंट्स हमारा आंसर रॉन्ग है, हमने कहीं पे ऊपर मिस्टेक किया, अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट ओपन करते समय यहाँ पर हमने मिस्टेक किया है, माइनस वन इंटू वन तो ये मेरा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने ये मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। और हमने इसके बाद कैलकुलेशन करते समय भी मिस्टेक किया है, देखिए प्लस वन है ये माइनस वन है, इसके साथ ये इसके साथ कैंसिल हुआ, और ये प्लस वन है ये माइनस वन, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ठीक है। तो उसके से ये जो हमारा ये टर्म हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ये जो आंसर है एट बाई थ्री हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू व्हाट एट बाई थ्री, ओके स्टूडेंट। तो प्लीज़ ऐसा जो ब्लेंडिंग क्वेश्चन रहता है जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है तो वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक होता है तो फिर हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए स्टूडेंट 15 हमें क्या दिया हुआ, आई इज इक्वल्स टू जीरो टू वन बाई टू डी एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स स्क्वायर
अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी देखिए यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन तो यूज़ करना ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम सम सजेस्टेड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन में हमने ऑलरेडी देखा हुआ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आई इज इक्वल टू क्या, जीरो टू वन बाई टू डी एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सब्स्टिट्यूशन क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट व्हाट, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा। अभी देखिए ये अभी इसे हम सब्स्टिट्यूशन करे किया हुआ है, तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो ये डी टी बाय डी ए थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हमने निकाला विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कॉस थीटा हो गया, देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो एक्स के जगह पे हम साइन थीटा लिख देंगे और डी एक्स की जगह पे हम दिस। ठीक है, या फिर देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स एक्स। ये साइन वहाँ पे जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अभी देखिए अभी हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। अभी देखिए एक्स जब वन बाई टू होगा तो अभी यहाँ पर हम एक्स की जगह पे वन बाई टू रख देंगे, तो थीटा हमें क्या मिल जाएगा, साइन के कौन से एंगल का वैल्यू वन बाई टू होता है, 30 डिग्री, मतलब साइन इनवर्स वन बाई टू मतलब पाई बाई सिक्स, थीटा हमें पाई बाई सिक्स मिल जाएगा। और व्हेन एक्स हम जीरो यूज़ करेंगे, लोअर लिमिट जीरो है, देयरफॉर थीटा हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स जीरो, साइन के कौन से एंगल का वैल्यू जीरो होता है, साइन जीरो का। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट देखिए अभी हम ये सारे टर्म्स यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू व्हाट, जहाँ पे हमारा लिमिट जीरो था वहाँ पे हमें जीरो मिल गया, जहाँ पे हमारा पाई वन बाई टू था वहाँ पे हमें पाई बाई सिक्स मिल गया। ठीक है, डी एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा, और जहाँ जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पर हम साइन स्क्वायर लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स सॉरी थीटा और अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर ट्रिग्नो के फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें स्टूडेंट। ओके, तो अभी देखिए हमें पता है कि कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और वन माइनस साइन स्क्वायर का हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम ये दोनों फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो जीरो टू पाई बाई सिक्स कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, देखिए स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, इसे हमें क्या लिख देंगे, कॉस टू थीटा लिख देंगे, और ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, जीरो टू पाई बाय सिक्स कॉस थीटा अपॉन कॉस टू थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, तो कॉस थीटा गेट कैंसल्ड, कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्या बच गया उसे लिख दीजिए, और इसे हम ट्राई करेंगे उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, वन अपॉन कॉस टू थीटा। तो अभी देखिए वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, जीरो टू पाई बाय सिक सेक टू थीटा। तो अभी सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम सेक का इंटीग्रेशन पता है क्या लिखते हैं, सेक इंटीग्रेशन ऑफ अ सेक इज इक्वल टू व्हाट, लॉग, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ अ सॉक लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए थीटा के साथ टू है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये वन बाई टू आ जाएगा, जीरो टू पाई बाई सिक्स। ओके स्टूडेंट, अभी यहाँ पर एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे थीटा के जगह पे, फिर एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे थीटा के जगह पे। ये वन बाई टू है, आप उसे बाहर लिख सकते हो, ये वन बाई टू को बाहर ले लिया आपने। ठीक है, अभी थीटा के जगह पे पहले हम पाई बाई सिक्स रख देते हैं, अपर लिमिट सेक टू इंटू थीटा प्लस, यहाँ पर भी हमने थीटा के जगह पे पाई बाय सिक्स रख दिया, पहले अपर लिमिट रख दिया हमने, माइनस अभी हम लोअर लिमिट करेंगे, ये हमने अपर लिमिट पुट कर दिया, अभी हम लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, लॉग सेक टू इंटू ज़ीरो सेक ज़ीरो और प्लस टेन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया, तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, टू बाई थ्री, ये टू बाई थ्री हो जाएगा, लॉग सेक पाई बाई थ्री प्लस टेन पाई बाई थ्री माइनस लॉग सेक ज़ीरो प्लस टेन ज़ीरो। ओके स्टूडेंट, तो अभी देखिए
लॉग सेक पाई बाय थ्री, सेक पाई बाय थ्री का वैल्यू क्या होता है, टू होता है, मतलब सेक 60 डिग्री टू होता है, और टेन पाई बाय थ्री मतलब टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट थ्री होता है, माइनस लॉग सेक ज़ीरो, सेक ज़ीरो वन होता है, टेन ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे देखिए लॉग सेक ज़ीरो वन प्लस ज़ीरो, ओके स्टूडेंट, तो ज़ीरो प्लस वन वन, टेन लॉग वन, तो यहाँ पे वन बाई टू लॉग टू रूट थ्री, लॉग वन का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर देखिए स्टूडेंट क्या मिल गया, वन बाई टू लॉग मोड ऑफ टू प्लस रूट थ्री, लॉग वन का वैल्यू ज़ीरो हो गया, ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू अंडर रूट टेन प्लस अंडर रूट कॉट डी एक्स, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर सब्सिट्यूशन तो नहीं दिख रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पर पहले हम ट्रिग्नो के फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि कोई फॉर्म में आ रहा है क्या, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं हम, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट, तो अभी इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये साइन रूट साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन कॉट साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये साइन रूट साइन रूट साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स हो जाएगा, रूट कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस हो जाएगा, और डिनोमीटर में रूट कॉस रूट साइन, तो अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स हो गया। देखिए स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, ये रूट साइन अपॉन रूट कॉस है, और ये रूट कॉस अपॉन रूट साइन है, ठीक है, तो इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है और ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो रूट साइन साइन हो गया, रूट कॉस कॉस हो गया, और अपॉन अंडर रूट साइन इंटू कॉस हो गया, ठीक है, तो देखिए अभी इसे हमने ट्रिग्नो का हेल्प तो लिया, लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर हम इसे इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें न्यूमेरेटर में क्या दिख रहा है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है, ठीक है, तो अगर मैंने टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सब्स्टिट्यूट किया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस होकर हमें ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सब्स्टिट्यूट कर जो कर रहे हैं वो हम अपने एंड से अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, तो इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, ये साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो देखिए हमें डी टी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स मिल गया, ठीक है, तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर का टर्म है दिस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, उसके यहाँ पर हम डी टी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमारा न्यूमिनेटर है वो हमारा क्या होगा, और ये लिमिट है वो हमारा कैसे चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, टी इज इक्वल्स टू साइन माइनस कॉस, ठीक है, अगर हमने इसको होल स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो हमें क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर हमने, ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट वन माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब वन होता है, ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट ये टू कॉस यहाँ पर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये टी वहाँ पर जाके वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये टू उसको दे देंगे, तो ये हमें देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू वॉट वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू हो जाएगा, तो इसका मतलब जो अपना क्वेश्चन है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह पे वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू, और ये डिनोमिनेटर जो दिख रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू डी टी, लेकिन हमें लिमिट चेंज करना है, ठीक है, तो अभी हमारा लिमिट कैसे चेंज होगा स्टूडेंट प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो जब इसका हेल्प लेंगे यहाँ पर दिखा देते हैं, व्हेन
एक्स पाई, सॉरी लिमिट क्या हमारा पाई बाई टू है, यहाँ पे पाई नहीं है, पाई बाई टू है। व्हेन एक्स हमारा पाई बाई टू है, अब यहाँ पर हम टी में पुट करेंगे तो साइन पाई बाई टू माइनस कॉस पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है वन, और कॉस पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है ज़ीरो, मतलब क्या मिल गया हमें वन। और व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, लोअर लिमिट ज़ीरो है, तो इसमें हम पुट करेंगे टी इज इक्वल्स टू साइन ज़ीरो कॉस ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो का वैल्यू वन होता है, तो हमें टी इज इक्वल्स टू वॉट माइनस वन मिल गया। तो हमारा लिमिट देखिए स्टूडेंट क्या हो गया, जहाँ पे हमारा लिमिट ज़ीरो था वहाँ पे माइनस वन हो गया, और जहाँ पे पाई बाई टू था वहाँ पे हमारा वन हो गया। और कॉस साइन एक्स डी ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हमने डी टी लिख दिया, और ये इसकी जगह पे डी टी लिख दिया, और यहाँ पर इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया दिस। ओके स्टूडेंट, तो अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन मिल गया है हमें, ऐसे सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट करना है, ऐसे में लिमिट पुट कर देना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन टू वन डी टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट टू लिख सकते हैं, क्योंकि होल रूट टू है, तब ये सिंपली रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये रूट टू पर हो जाएगा, रूट टू को हम बाहर लिख लेंगे, माइनस वन टू वन डी टी अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, रूट टू, तो और कांस्टेंट है इसलिए हमने उसे बाहर लिख लिया। अभी देखिए वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें पता है कि वो किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स टी हो जाएगा वन अपर लिमिट वन लोअर लिमिट माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है स्टूडेंट, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करिए साइन इनवर्स वन, माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करिए साइन इनवर्स माइनस वन। तो साइन के कौन से एंगल का वैल्यू वन होता है, साइन के कौन से एंगल का वैल्यू वन होता है 90 डिग्री, और साइन के कौन से एंगल का वैल्यू माइनस वन होता है माइनस पाई बाई टू माइनस 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे रूट टू पाई बाय टू माइनस माइनस प्लस पाई बाय टू, तो पाई बाय टू, पाई बाय टू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा टू अंडर रूट पाई। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट ये आज हमने अभी देखा क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.3 का एग्जाम्पल 16। ठीक है, तो ये आज के लिए यहाँ पर ही हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, देखिए ये वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 देखा हुआ है स्टूडेंट। ठीक है, जो इसके पहले का क्वेश्चन है वो हमने दूसरे वीडियो में देखा, जिसका ऑलरेडी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। स्टूडेंट्स आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो के एंड में एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कुछ सजेशन है या फिर आपका कुछ एडवाइस है या आपको कुछ इशू है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।